ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਠਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਬੈਕ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਂਗ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। अच्छा अंकल, शुरुआत कितों हुई सी कि मैं सोचा कि मैं पुट्ठा लिखना शुरू करना या कुछ देख लिया सी इदां दा? कोशिश तो पढ़ते होंगे जो जाते नहीं, रोपड़ लिखा नहीं 15 किलोमीटर रह गया, मन च होंगे 15 किलोमीटर रह गया, हम रोपड़ जल्दी क्यों नानके जाण दा हर एक बंदे दा बच्चे दा हुंदा सीगा ते जदों बस अगे लंघ जाती सी तो पिछे मुड़ के देखना तो सानूं पढ़िया नहीं जाता सीगा, क्यों रोपड़ पुट्ठा पढ़िया नहीं जाता सीगा। मन च उदों दिमाग सोचा चलो पुट्ठा लिख के देख लैंदे, उदों तो यह सोचा भी चलो पुट्ठा भी मैं वो लिखण लग पिया पुट्ठा। मेरा एक दोस्त सीगा और वह कोई वो मामे नाल लड़ाई झगड़ा हो गया सीगा, वो मैनू कहता भी मेरा मामा नाराज़ हो गया तो ये करके भी उन्हें मामे मनाना है कि मनाइए। मैं उन्होंने चिट्ठी पा चिट्ठी गलती मान ला, चिट्ठी भी उन्होंने दिनों अज हूँ वट्सएप का जमाना आ गया, हो आ गया सारा सोशल मीडिया के उत्ते, हुण तां मिंटो मिंट ही सब कुछ हो जाता है तो वह फोन भी नहीं होंदे सीगे। मैं उन्होंने कहा भी ऐ करते हैं तेरे मामे नाल मजाक भी करते हैं नाले तेरे मामे तो माफ़ी मंग लेने, कहता किदा? मैं कहा मैं मजाक करता, उन्होंने पुट्ठी चिट्ठी लेती सारी, ताकि भी समझ नहीं आई मामे ने पिंड जी लैके फिर भी चिट्ठी बनी कि आई है, ये भी ना पता लगे भी कि आई है, बाहर लिखा नहीं कि बाहर असी लिखा नहीं उसका नाम, किसी पिंड वाले नहीं कहा शीशे मूहरे रख के देख के शायद कोई पता लग गया क्यों उर्दू का है नहीं सी। 82 तो लैके हुण तक 18 तो 40 साल हो गए, हर दिमाग कोई भी चीज़ लिखी होंगी है मेरे सामने भी आ जाती है तो मैं उन्होंने उदों मन चाहता भी जो पुट्ठा लिखा इदा लिखे इधर लिखा जाऊगा, भावें हत्थ नाल आई आई भावें लिख लीए तो वो स्पीड बन गई हुई है तो हम तो देखने प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी अंग्रेजी भी ले लवां पंजाबी भी ले लवां, कोई भी वर्ड है कोई भी अखर है। जे सरकार या कोई ऐसा ग्राउंड मिले तो मैं गड्डी जी है ना, मैं हम मेरी आखिरी प्रॉब्लम आ गई तां करके नहीं चलाता गड्डी, नहीं कहता मैं गड्डी चलाता रहा, मैं गड्डी बैक जी गड्डी चला बहुत तेज़ चला रहा, उल्टी वाली सी चीज़ा ज़्यादा तुहाडा वो हो रहा वैसे बड़े। सत श्री अकाल जी, बॉली हॉली बाबा नाल जुड़े हो, मैं तुहाडे नाल खुशबू शर्मा, स्वागत करदी हां तुहाडा। अज तुहानूं एक अंकल नाल मिलान जा रहे हैं जो कि पुट्ठा लिखदे ने। ये नहीं कि अक्षर नूं सिर्फ यानी बैक तो लिखदे ने, नहीं, उर्दू वांग तां पिछों शुरू करदे ने, पर हाँ जिवें रोपड़ शब्द है रोपड़ नूं ओह आर नूं भी उल्टा बनांदे ने, यानी कि आर सीधा बना के आर नूं भी उल्टा बनांदे ने ताकि एंबूलेंस वांग अखरां नूं उल्टा जिवें लिखिया जांदा है ते शीशे 'च पढ़िया जावे तां ओह सिद्धे दिखदे ने। क्यों बना लगे ने, क्यों इदा दी बनावट नूं उन्होंने मैं कहांगी अपनी जिंदगी च दिता कि हाँ मैं इदा लिखना वा। सारी गलबात करांगे कि शुरुआत कितों हुई सी। स्वागत करदे करनैल सिंह जी मेरे नाल मौजूद ने। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वधिया ठीक है अंकल। देखण च ऐ लगदा अंकल बहुत स्ट्रिक्ट होणगे पर जद असीं उरे बैठे हां गल्लां बातां करे तां अंकल बहुत वधिया दे बच्चियां वांगी उन्हां गल कर रहे हो तुसीं, वधिया लग रिहा। ऐसी कोई गल नहीं हैगी, सारे बच्चे साडे सारे और मेरा तो यही कहना है सारे बच्चे तरक्की करन, ईमानदारी नाल अपना काम करो, नेक नीति नाल काम करो, कोई भी काम करोगे तो कामयाब रहोगे। मेरा आशीर्वाद तुहाडे नाल हर वेले बनिया रहिंदा, ऐसी कोई गल नहीं है। अच्छा अंकल, शुरुआत कितों हुई सी कि मैं सोचा कि मैं पुट्ठा लिखना शुरू करना या कुछ देख लिया सी इदां दा? नहीं, ये तां इदां सी भी जदों बचपन मेरे नानके रोपड़ ने, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट दे जगह जदों असीं जांदे हुंदे सी रोपड़ लिखिया हुंदा सी सामने, जिवें मील पत्थर लगे हुंदे सी, पहलां रोपड़ 20 किलोमीटर रह गया, रोपड़ 15 किलोमीटर रह गया, हरेक अज भी लगे हुए हैं मील पत्थर की जगह से, सारे लगे होंगे सड़कों के उत्ते, छोटे छोटे होंगे लोहे अपना सीमेंट के नाल टाना बना देंगे उत्ते लिखा होंगे। वो असीं पढ़ते होंगे जो जाते नहीं, रोपड़ लिखा नहीं 15 किलोमीटर रह गया, मन चाहिए 15 किलोमीटर रह गया, हम रोपड़ जल्दी क्यों नानके जाण दा हर एक बंदे का बच्चे का हुंदा सीगा ते जदों बस अगे लंघ जाती सी तो पिछे मुड़ के देखना तो सानूं पढ़िया नहीं जाता सीगा, क्यों रोपड़ पुट्ठा पढ़िया नहीं जाता सीगा। उदों मन सोचा सीगा भी जे आपां नूं सही करके लिखीए, जे पुट्ठा करके मन च उदों दिमाग सोचा भी चलो पुट्ठा लिख के देख लैंदे, उदों तो यह सोचा भी चलो पुट्ठा भी मैं वो लिखण लग पिया पुट्ठा, जिवें रोपड़ ही लिखना होवे आपां तां मैं रोपड़ इत्थे आलो पुट्ठा मैं लिख देना, पंजाबी लिख देना रोपड़। ते इत्थे भी गल नहीं हैगी कि जे नूं आपां पंजाबी च अंग्रेजी लिखना होवे तां ROPAR रोपड़, तुसीं देख लो आप इंग्लिश लिखिया है पंजाबी लिखिया है, हिंदी च लिखना होवे तां मैं हिंदी लिख दूंगा। हलो रोपड़। अच्छा फिर ये शुरू किन्ने साल दी गल है, किन्ने साल दी उम्र सी तुहाडी उदों? बड़े ये दसवीं मैं 82 च कीती है शायद, 83 या 81 च कीती है, 84 च कॉलेज पढ़दे सीगे, 80 उदों ही दसवीं दे विच ते उदों तो यह शौक भी मान लो एक पुट्ठा दिमाग शरारती दिमाग की गल उपज लै लो तो इदा ही। तो मेरा एक दोस्त सीगा और वह कोई वो मामे नाल लड़ाई झगड़ा हो गया सीगा लड़ाई झगड़ा भी होंदा ही रहिंदा, आम घरां च माड़ा मोटा हो जांदे आ। ते मामा किसी कारण करके आया घरे ते ओह किसी गल पिछे आपस तू तू मैं हो गई, मामा रुस के चलिया गया। तो वह मुंडा सवेरे आके मेरा दोस्त जो मेरी क्लास फेलो ही सीगा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦੇ, ਚਿੱਠੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, नाले तेरे मामे तो माफ़ी मंग लेने। कहता किदा, मैं क्या मजाक करता। उन्होंने पुट्ठी लिख चिट्ठी लेती सारी भी सत्कारयोग मामा जी, जिवें आपां लिखी देने सत्कारयोग, इत्थे आपां लिख देने जी आपां सत्कारयोग है, सत्कारयोग मामा जी। कहना मतलब इदा मैंने सारी सारी चिट्ठी पुट्ठी ले दी थी। उन्होंने चिट्ठी लिख के उन्होंने पा दी। मामा जी चिट्ठी पहुंची, चिट्ठी मामे ने पता लगे भी ये लिखा की होया। ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਣ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ, 82 ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਾਮੇ ਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਕਿਉਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਲਿਖ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, पर मैं किसी दसदा नहीं सीगा, भी दस्या नहीं किसी ने, ना मैं हुण कीता सीगा। मैं दसदी तुसीं ना एक आइडिया देता वा सारिआं नूं कि जे तुसीं अपनी सहेली या फिर किसी मुंडे नूं चिट्ठी लिखनी तां उल्टा लिख के भेज दो। ओह तां चलो, ये अजकल दे न्याणिआं दा दिमाग पुट्ठा है, ओह पुट्ठी गल नूं जल्दी लैंदे ने। ओह सीधी गल हाले पुट्ठी काम कोई कर लो, ओह ज़्यादा होंदे आ। इस करके नहीं करना चाहिए। बाकी है चलो बक्खरी गल है, शौक दा अपना हैगा, करना बंदा भेज भी सकदा, ऐसी गल नहीं। अज दी डेट दे विच तुसीं लिख के भेज दोगे तां कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। पढ़ना शीशे मूहरे पढ़ के रख के पढ़ लूगा, या उन्होंने अपना पेज तुसीं पुट्ठा करो तां ही पढ़िया जाऊगा। इदां करके लाइट पैंदी हुंदी है। या तां तुसीं इहनूं उल्टी चीज़ नूं शीशे सामने रख के पढ़ सकदे हो, या फिर तुसीं इहनूं ही पेज नूं इदां उल्टा करके देखोगे तां सीधा पढ़िया जाएगा। हालांकि कैमरे 'च दिखेगा नहीं। ट्राई करियो घरे बह के कुछ उल्टा लिखियो, ये नहीं कि सिर्फ उल्टा लिखना है, उल्टे अक्षर भी पाइयो, तो बाद चो उन्हूं पेज नूं चक के देखियो, वो जिहड़ी छाप है पिछे आ जाती, तो सीधा पढ़िया जाता है। अच्छा अंकल, घरदिआं ने कदे कहा कि कम्मां च पाए होए हो तुसीं, छड्डो परां नूं? ये तां वाइफ, हालांकि मैडम ने मेरी कहा सीगा भी ठीक केड़ा काम कर लिया तुसीं। हालांकि बेटी ने कहा कि कोई गल नहीं पापा, कोई ठीक है, जो जो लिखदे ठीक है आपां, केड़ा कोई किसी गलत गल लिखदे आ जां किसी ने। तो कोई भी चीज़ है जो ईमान जे वधिया काम करोगे, जे जो पुट्ठा भी लिखदे हो तो साफ वधिया चीज़ लिखो, कोई ऐसी गल नहीं हैगी। मैं जो 1 2 इंग्लिश भी लिख लेना, पंजाबी भी लिख लेना, हिंदी भी लिख लेना, 1 2 3 भी लिख लेना। मैं जिवें आपां 1 2 3 लिखदे हैं, आपां 1 2 3, ऐसी कोई गल नहीं। 4 5 6 7 8 9 0। उल्टा तो चलो तुसीं लिखदे हो, ये नहीं कि तुसीं बहुत सोच के लिख रहे हो, हाँ अक्षर इदा नहीं इदा बनाना। मेरे वर्गा नवा है ना, 82 तो लैके हुण तक 18 तो 40 साल हो गए, हर दिमाग कोई भी चीज़ लिखी हुंदी है मेरे सामने भी आ जाती है। तो मैं उन्होंने उदों मन चाहता भी जे पुट्ठा लिखा उदे इदा लिखा जाऊगा, भावें हत्थ नाल आई भावें लिख लीए, तां ओह स्पीड बन गई हुई है। तां ओह हुण लिखण नूं प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी अंग्रेजी भी लिख लवां, पंजाबी भी लिख लवां, कोई भी वर्ड है, कोई भी अखर है। तो ये चीज़ दिख रही है कि शार्प माइंड सीगा तुहाडा छोटे हुंदे ही ना, तुहाडा मतलब इदां कुछ डिफरेंट करन दा मन सीगा, ते ओह अज चीज़ सामने आ रही, किन्ना क चंगा लग रहा? फिर नहीं वधिया लग रहा है, लेकिन मैं तां सोचदा पिया मैनूं कोई जे सरकार या कोई मैनूं कोई ऐसा ग्राउंड मिले तो मैं गड्डी जी है ना, मैं हुण मेरी अख की प्रॉब्लम आ गई तां करके नहीं चलाउंदा गड्डी, नहीं पहलां मैं गड्डी चलांदा रहा। मैं गड्डी बैक जी गड्डी चलाउंदा ना, बहुत तेज़ चला रहा गड्डी, बहुत तेज चला रहा। और जे ये भी जरूरी नहीं भी सिर्फ कली बैक ही सीधी जाऊगी ना, जे गलियां भी कड्ढनी हो बैक कर लेना मैं, पर वो वास्ते ना खतरे वाला काम हैगा। वो है भी जिवें मान लो कि ग्राउंड जाके जगह खाली होवे उत्थे बंदा चलावे, तो मैं बहुत तेज गड्डी चला सकदा बैक। अंकल एक चीज़ देख रही हैं, नोटिस कर रही हैं कि उल्टे वाली सी चीज़ां ज़्यादा तुहाडा वो हो रहा है। वैसे बेटे वो नहीं हैगा, इहदे च नहीं हैगा, मन च सीगा चलो देख लिया पुट्ठा गल पुट्ठा लिख के देख लेने, पुट्ठा लिखते हैं, साफ लिखते हैं, वधिया लिखते हैं, ऐसी कोई गल नहीं, गलत गल नहीं। कोई एंबूलेंस तो चलो उल्टा लिखा जाता है, होर आप इन्ना नहीं देखा कोई उल्टा लिखा जाए, पर जे कुछ एंबूलेंस पता लग जाए अगले ड्राइवर को जो अगे गड्डी लैके जा रहा, तुम अगे लैके जा रहे, पिछले एंबूलेंस आ गई, हारन जो नहीं भी मारिया तो उसे एंबूलेंस लिखा होता, तो शीशे ज्यादा सामने सामने पढ़िया जाएगा एंबूलेंस, तुम देख लो एंबूलेंस आ गई, जो एंबूलेंस सीधा लिखा हुआ वो गड्डी उत्ते फिर तुम्हें पुट्ठा पढ़िया जाऊगा, पुट्ठा पुट्ठा ड्राइवर पढ़ नहीं सकता, वो इस करके उन्होंने पुट्ठा लिख दिया एंबूलेंस। जे इस लाइन च होर कुछ वध के हुंदा करियर हुंदा तो तुसीं तां पहले नंबर ते आना सीगा। नहीं ऐसी कोई है, हाँ ये तो है, जे नंबर नंबर लेने वाली गल होवे तो मेरी बहुत स्पीड हैगी है, पुट्ठा लिखण च भी सीधा लिखण च भी सीधा भी लिखण भी ऐसी कोई बहुत स्पीड हैगी है, लेकिन पुट्ठा क्योंकि मैं खबरां खुरां लिखदा रहा जो भी है करते रहे आपां ते वो दोस्त मित्रां ने नहीं ट्राई किया कि असीं भी उल्टा लिखण लग जी, तुहानूं देख देख के शुरू हो गए सी। माइंड हुंदा बेटे कोई हुंदा जिवें प्लेयर ने गीतकार ने 10 बंदे बच्चे बच्चे क्लास दे विच 50 बच्चे आ, कोई इंजीनियर बन जांदा, कोई गायक बन जांदा, कोई अलग अलग हर एक बंदे दा अपना माइंड जिदों चले गया उदों चले जांदा, और ये कोई शेखी नहीं हैगी कोई, इहदे च भी ये परमात्मा दी दित्ती देन हुंदी है, जिदा बंदा कोई गायक ने जिहड़े उन्हां दी आवाज़ ही इन्नी वधिया हुंदी है कि वो गायक दिनों दिन चढ़ जाते हैं, तो वो परमात्मा की दित्ती होंगी है, ये कोई शेख ही नहीं हैगी गायकों भी या किसी होर भी। हाँ तुम अपना काम ईमानदारी नाल करो, नेक नीति नाल करो, कोई भी काम करो तुम तो थोड़ी तरक्की ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਲਿਆ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है ਉਹ तरक्की करता रहा। और अजकल अज के नौजवानों ने भी यही चाहिए वो अज ये नहीं कि अज दुकान खोली है मैं कल कोठी ले लवां, हम असी दवाइयां दुकान खोलियां हुई, असी ये है भी सेवा एक सेवा करते हैं, एक पुन वाले खोलियां है, सारिया सस्तियां दवाइयां बेचते हैं, कोई ऐसी गल नहीं है, गाहक बेचारे बहुत खुश होंगे, जिदा 1000 रुपये की दवाई आती है 300-400 की दवाई आती है, लेकिन यह है भी नेक रीति काम करते पे हैं, दैट्स ऑल, और वधिया रोटी खाने हैं, ऐसी कोई नहीं। इस करके लोगों को भी नौजवानों ने भी यही कहना चाहना भी अपना काम नेक नीति ईमानदारी नाल करो, तां ही तुहाडी जिंदगी तरक्की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी गलबात कीती ते बहुत चंगा लग्या मिल के। शॉर्ट्स भी चल रहे होंगे, देख रहे हो किस तरह उल्टा लिखा हुआ है, तो एक नवी चीज़ बच्चे वगैरह अद्धे शुरू हो जाएंगे, अंकल देखना तुहानूं कि अच्छा काफ़ी इंटरस्टिंग चीज़ लगी ना, जो मैं भी सुने मैं कहा अंकल उल्टा लिखते हैं, जाके आना पैना एक बार तो बच्चे जिहड़े ने छोटे छोटे जो वीडियो देख रहे हो मापे भी उन्होंने दिखाएंगे कि आ देखो अंकल उल्टा लिखते हैं, कुछ कहूँगे? मैं कहनी फैन फॉलोइंग वध रही है फिर तो। नहीं नहीं वो कोई गल नहीं है, सारे बच्चों तो मेरी यही कहना है भी काम सही काम करो, चाहे पुट्ठा भी लिखो, चाहे वो भी ईमानदारी ना लिखो, गलत ना लिखो, किसी ने किसी गलत मैसेज ना जाए, अजकल माड़ा जी कोई गलत मैसेज आता है तो वो गलत हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद, चंगी जानकारी अज सांझी कीती, तुहाडे नाल देख रहे हो किस तरह का कॉन्फिडेंस भी अंकल दे अंदर ते एक्सपीरियंस दे नाल देख रहे हो स्पीड कितनी तेज हो चुकी है। उम्मीद करती वीडियो चंगी लगी होगी, वीडियो नूं शेयर जरूर कर दो, बने रहो बॉली हॉली बाबा दे नाल, धन्यवाद।